हो गया। चलिए तो आज का हमारा कंपटीशन का टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज प्रीपोजिशंस, नाउंस, प्रोनाउंस एंड टेंसेस। ओके, तो हमको ये टॉपिक स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले ऑल ऑफ यू रेडी गाइस? ओके, तो इतनी एनर्जी हमको आंसर्स में भी मिलनी चाहिए। तो रूल क्या है हमारा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, ऑप्शन उसके रहेंगे, उस ऑप्शन का जो भी आपको आंसर लगता है, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी एवरीबॉडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? प्रोनाउंस, सबसे पहले प्रोनाउंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, माय नेम इज रिया। ओ ओ रिया, आपका क्वेश्चन आ गया। डैश लव माय फैमिली, ए और बी, आपको जो भी आंसर लगता है यू हैव टू राइट डाउन फास्ट, यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर ओनली। ओके, हैव यू डन योर राइट? करेक्ट ऑप्शन देखा जाए? Yes, sir. क्या है ऑप्शन, ए या बी? बी वाले हाथ उठाइए। और ए वाले? ए वाले दो है, बी वाले मोस्टली बी है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी। माय नेम इज रिया एंड आई लव माय फैमिली, शी लव माय फैमिली कभी नहीं होता है भाई। माय नेम इज रिया, रिया अपने बारे में बोल रही है ना। माय नेम इज रिया एंड आई लव माय फैमिली, समझ में आया? नेक्स्ट, आई मेट रिया यस्टरडे, डैश मेड मी लाफ, राइट डाउन द आंसर। डन? ए और बी? ए वाले हाथ उठाइए। और बी वाले? दोनों ब्रदर्स। ठीक है, सबसे पहले, उससे पहले जो ए बोले हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछा जाऊंगा कि शी जो है वो किस टाइप का प्रोनाउन है। टेल मी विच टाइप ऑफ दिस प्रोनाउन, टेल मी, यू नो? नो, हु नोज शी इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? विच, आई एम आस्किंग विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, शी इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? सॉरी, कॉमन कौन सा प्रोनाउन होता है भाई? मैं आई एम आस्किंग प्रोनाउन, क्या खा के आया आज नाश्ते में? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? शी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में यूज होता है कभी, शी कहाँ पे यूज होता है? गर्ल के नेम में तो यूज होता है, आई नो दैट, पर शी कहाँ पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट में कि कहीं और? कहाँ, विच प्लेस पे, सेंटेंस के किस प्लेस पे शी यूज होता है? किस प्लेस पे पूछ रहा हूँ मैं, सेंटेंस के किस प्लेस पे? सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। तो कौन सा प्रोनाउन हुआ? कौन सा प्रोनाउन हुआ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट में कभी आई लिखते हैं क्या? कहाँ पे लिखते हैं? कौन सा प्रोनाउन हुआ? सब्जेक्टिव, ठीक है। इट कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं इट, सेंटेंस में किस प्लेस पे यूज करते हैं इट? सब्जेक्ट पे यूज करते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन हुआ ये भी? इट किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अब ए है कि बी है आंसर देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि आई मेट रिया यस्टरडे, मैं रिया से मिली या रिया से मिला, है ना? मैं रिया से मिला यस्टरडे, कल मैं रिया से मिला था, बहुत फनी थी वो, पता नहीं कैसा कैसा मुंह बना रही थी, और मेड मी लाफ, उसने मुझे बहुत हंसाया, उसने मुझे बहुत हंसाया। तो इट यूज करेंगे क्या? She. क्या यूज करेंगे? She. तो जो बी ऑप्शन वाले थे, समझ में आ गया क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए। ओके,
ठीक है, जिसके राइट होते जाएंगे राइट लिखते जाएंगे आंसर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक आउटसाइड डैश इज माय कार पार्क्ड देयर, राइट ऑन योर आंसर फास्ट। ऑप्शन ऑप्शंस आर दिस एंड दैट। ऑल ऑफ यू डन? यस सर। ए और बी? बी। ए वाले रेज योर हैंड्स, 1 2 3 4। रेस्ट ऑफ ऑल बी? यस सर। श्योर? यस सर। क्यों बी क्यों आएगा सर? वहां लास्ट में देयर लिखा है, मतलब की बात देयर की बात कर रहा है, पूरी प्लेस नहीं बताया, देयर की बात कर रहा है, दूर की बात कर रहा है, तो दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। वेरी गुड। और दैट दूर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, तभी यूज करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमी इज डैश डॉग, दे लाइक इट वेरी मच। टॉमी इज डैश डॉग, दे लाइक इट वेरी मच। राइट डाउन योर आंसर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द आंसर? बी वाले हाथ उठाइए। और ए वाले? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्यों माय क्यों आएगा? टॉमी इज माय डॉग, दे लाइक, यहां पे सब्जेक्ट यूज किया हुआ है दे, तो यहां पे देयर आना चाहिए कि माय आना चाहिए? देखिए क्या आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टॉमी इज देयर डॉग, टॉमी जो है वो उनका डॉग है और वो उसको क्या करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, तो देयर आएगा। देयर इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? हु विल टेल? देयर इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? कौन से टाइप का प्रोनाउन है देयर? ऑब्जेक्टिव? नो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देयर कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। डोंट सिट ऑन दैट चेयर, डैश लेग्स आर ब्रोकन। राइट डाउन द आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन से नहीं? यस सर। धीरे धीरे देखो क्या क्या मजा आता है। डन? एवरीबॉडी डन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर सर? देयर। देयर आंसर बी। एक्स? इट्स सर। देयर। देयर। देयर बी। ए? ए वाले हाथ उठाइए। और बी वाले? बी वाले ओनली 4 5 6, क्या बात है। डोंट सिट ऑन दैट चेयर, एक बात बताओ, अभी मैं आपको बोला था इट जो है किसके लिए यूज किया जाता है? लॉन थिविंग्स, लिविंग बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चेयर की बात हो रही है। चेयर एक कैसा बींग्स है? नॉन लिविंग बींग्स है। तो नॉन लिविंग बींग्स है तो उसके लिए इट का, इट यूज करेंगे। और इट का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इट्स होता है, ये लिखा हुआ यही है। ठीक है, देखते हैं क्या है आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिसका राइट है वो राइट करेंगे, जिसका रॉन्ग है रॉन्ग करेंगे। ठीक है, मोहित ड्राइव्स डैश टू स्कूल, वी लाइक हिज बस। एवरीबॉडी डन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आयुष्मान सर बी। बी? ए? 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 ए वाले हाथ उठाइए। पॉपुलेशन ज्यादा है ए वाले की। और बी वालों की? बी के 3 है। तुम एक में आंसर उठा रहे हो भाई, दोनों में आंसर क्यों हाथ क्यों उठा रहे हो? हैं, बिन पेंदी के लोटे हो गया हैं, लोटा खा के हो गया। व्हाट इज द आंसर? लेट्स सी। मोहित ड्राइव्स डैश टू स्कूल, वी लाइक हिज बस। ऑप्शन इज करेक्ट। वो क्या कर रहा है? वो हमारी बस चलाता है, है ना? तो हमारे के लिए क्या यूज करते हैं? अस। अच्छा, अस जो है वो कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? अस रिफ्लेक्सिव है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन? नो, सब्जेक्ट में कभी अस यूज किया जाता है? अस कहाँ पे यूज किया जाता है?
सेंटेंस के कौन से प्लेस पे यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट पे. तो कौन सा प्रोनाउन हुआ? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ. आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. ओहो, ये तो सबको स्कूल की याद आ गई होगी. नहीं, आफ्टर स्कूल यू एंड मी, यू एंड आई, यू एंड मी, यू एंड आई, दोनों ऑप्शन है आपके पास. यू एंड मी, यू एंड आई, डन. ए वाले हाथ उठाइए. वापरे सबके सब ए वाले. और बी वाले? ओनली थ्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो तीन लोगों का आंसर सिर्फ करेक्ट हुआ है, बाकी सबका रॉन्ग है. डिड शी सी डैश? डन. व्हाट इज द आंसर? ए. ए की पॉपुलेशन ज्यादा है. लेट्स सी. ए, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस. किसका? वी का. तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट में लिखने बोला है तो अस ही लिखेंगे. माय ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क. राइट डाउन द आंसर. माय ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क. कुछ लोगों के चेहरे हक्के बक्के हो गए हैं. तुमको पता, मुझसे पूछ रहे क्यों? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आई टुक द बैग फ्रॉम डैश. आई टुक द बैग फ्रॉम डैश. डन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लिख रहे हो ना आंसर? चीटिंग बिल्कुल नहीं करना भाई. बी ऑनेस्ट. ओके, रॉन्ग है तो रॉन्ग, राइट है तो राइट. और पहले आंसर लिखना है, पता चला दूसरों का सुन के लिख रहे हो. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. बी, आई टुक द बैग फ्रॉम हिम. अच्छा, हिम जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? सर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नो, नो, नो. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? किसका रिफ्लेक्सिव है? कौन बताएगा? किसका? कौन बोला? ही का रिफ्लेक्सिव होता है क्या? हिम. ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है. ही का वैसे रिफ्लेक्सिव होता है हिज. ठीक है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, द गर्ल्स स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज ईटिंग डैश लंच. डन. बी. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कहाँ पे? लेट्स सी. इज ईटिंग. हाँ, एक मिनट, अंडर द ट्री. हाँ, यहाँ पे इसकी जगह पे आ रहा है ना, मिस प्रिंटिंग है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रैंड मा इज वेटिंग फॉर डैश शॉल. राइट डाउन योर आंसर. डन. अभी मजा आ रहा है? नहीं, सब इजी इजी हो रहे. तो है कि नहीं आ रहा? यस सर. नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है. लग रहा है कि नहीं? फील आ रहा है कि नहीं? नो सर. नहीं आ रहा है? तो कौन सी क्लास की फील आ रही है? अर्थी. क्लास थ्री की? क्लास थ्री की फील आ रही है. नहीं, तुमको कौन सी क्लास की फील आ रही है? पता नहीं सर, पहली बार पढ़ा हूँ सर. पहली बार. तुमको कौन सी क्लास की आ रही है? तुमको तो पक्का नर्सरी की फील आ रही है. नो सर. तो सर पता ही नहीं. पता ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है. व्हाट इज द आंसर? ए. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. हर हर करेक्ट आंसर था ना. व्हाट इज हर? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. किसका रिफ्लेक्सिव होता है? शी का. और ग्रैंड माँ एक लेडी थी तो उसका, उनका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हर. डैश नीड टू फॉलो मी क्लोजली. डैश नीड टू फॉलो मी क्लोजली. हाँ हाँ, इसके बारे में क्या कहना है सेंटेंस के बारे में? सर उसका यू फॉलो मी क्लोजली बोल रहे हैं. क्या कहना है सर? कुछ नहीं. कुछ नहीं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
अच्छा बताओ शी क्यों नहीं आएगा, शी भी तो आ सकता है, कौन बताएगा शी क्यों नहीं आएगा? कितने लोगों को पता है शी क्यों नहीं आएगा? तुम शी में हो, तुम भी शी में हो, कौन आपको पता है शी नहीं आएगा बोल रही हो, क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि कोई भी हो सकता है वो पर्सन में, तो कोई भी हो सकता है, तो यू और शी दोनों हो सकता है, तो ही भी तो हो सकता था ना, हाँ ही भी तो हो सकता था, तो ऑप्शन तो हमारे पास यू और शी है ना, तो यू और शी में से कुछ भी आंसर आ सकता है, तो आप यू ही क्यों बोल रहे हो, शी क्यों नहीं बोल रही हो, क्या रीजन है? रिया बता सकती है? कौन कौन बता सकते हैं रीजन, किसको किसको पता है? देवांशी का डब्बा गुल, क्यों? यहाँ पे भैया लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी ना है, आप यू और शी दोनों में से, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शी क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन जानना है मुझे, पता है पक्का? तो मैं यू और शी दोनों लिख सकता हूँ, तो ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, क्यों नहीं? आप ही तो बोल रहे हो तो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं बोल रहे हो आप, अरे तो लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं बोल रहे हो ना, मतलब लड़की भी हो सकती है ना, तो शी लिखेंगे ना हम, तो फिर कौन बताएगा रीजन? गौरव को पता है, आपको पता है क्या रीजन है? सर अगर शी होता तो वो नीड्स की जगह नीड्स होता। वेरी गुड, ये रूल है, कौन सा टेंस का रूल है, कौन सा टेंस? सर प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट का रूल है कि अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर लिखते हैं तो वर्ब के साथ हमेशा क्या लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है, यहाँ पे एस लगा ही नहीं है तो आप क्यों लिखोगे शी, शी आएगा ही नहीं, आप लोग खुद बोल रहे हो कि लड़का और लड़की दोनों हो सकता है तो शी क्यों नहीं लिखोगे फिर, जब लड़का लड़की दोनों हो सकता है तो, समझ में आया? तो जिसने जिसने शी लिखा है उसका आंसर रॉन्ग है, बच गया, मेरे को लगा बी तो नहीं है इतना समझाने के बाद पता चला बी आ जाता तो मिस प्रिंटिंग हो जाता। होल्ड द बैग प्लीज व्हाइल आई पुट द शॉपिंग इन, ये तो गर्लफ्रेंड ही बोलती है, नहीं बोलती कि नहीं? एक्सपीरियंस, बेख्याली, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, झूठे कहेंगे, नहीं है सर। चलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सब लोगों ने लिख लिए? ए वाले हाथ उठाइए, ओनली 3-4 और बी वाले बाकी सब, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वो बोल रही थी कि भैया जब मैं शॉपिंग इन कर रही हूँ तो शॉपिंग इन के अंदर आपको क्या करना है, उसमें डालना है इनसाइड इन इट, तो इनसाइड इन इट लिखेंगे ना हम, शॉपिंग इन इट, ठीक है? डैश होप दोज फ्लावर्स आर फॉर मी, अब यहाँ पे आई और वी दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मी का एक साथ आई लगता है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? नो, ये सब्जेक्ट है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा ये? अरे होगा, तो फिर मैंने नहीं बोल दिया तो तुमने पलटू राम पलटू क्यों हो जाते हो, कॉन्फिडेंस रखा करो ना, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आई, पक्का? सबको, सब लोग आई लिखे हो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश थॉट द हॉलीडे वुड बी आइडियल फॉर अस, डन डन, सारे करेक्ट हो तुम्हारे? एक रॉन्ग, तुम्हारे कितने रॉन्ग है? दो, तुम्हारे तीन, तुम्हारे तीन, तुम्हारे फोर, टू, थ्री, थ्री, पांच, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, वी है ना, वी थॉट द हॉलीडे वुड बी, क्यों वी ली आएगा? आज लिखा हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग विद डैश?
वॉट इज रॉन्ग विद ही, उसके साथ क्या हो गया यार, पता नहीं पागल टाइप की हरकतें कर रहा है। वॉट इज रॉन्ग विद देम, उनके साथ पता नहीं क्या हो गया है कि वो पागल टाइप की हरकतें कर रहा है। तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं दोनों आंसर, आ सकते हैं। यस सर। क्यों आ सकते हैं सर? क्योंकि सर दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल सही बोल रहे हैं सर। सर आप बोले ना दोनों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते सर? ठीक ठाक बोल, ठीक ठाक बोल रहे हैं आप, ठीक कर दो उसका सर। वो सर बोल रहे हैं कि वो उनके साथ क्या रॉन्ग हुआ करके। हाँ सर बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या रॉन्ग हुआ करके। हाँ तो उनके साथ किसके साथ? रीजन नहीं पता आपको, पता है दोनों आ सकता है कि नहीं? बेटा मैं पूरा नॉलेज चेक करूंगा, ऐसा मत समझो कि भैया इजी इजी क्वेश्चंस दे दिए सर ने, आंसर लिख दिए, मार्क्स मिल गए, हो गया। आपको कितना पता है वो मैं पूरा चेक करूंगा आपको, समझ में आया? क्वेश्चन भले इजी हैं पर आपका पूरा नॉलेज टटोलूंगा मैं, छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? देखिए कौन बताएगा, जैसे इसने बोला यहाँ पे अगर क्या लिखा होता, हिम लिखा होता तब आ सकता था, पर यहाँ पे देम और ही कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो इसलिए देम आएगा, समझे महानुभाव लोग? आई कांट फाइंड डैश एनीवेयर, एवरीबॉडी डन? आई कांट फाइंड दे एनीवेयर, मैं उनको कहीं प्राप्त मतलब कहीं नहीं ढूंढ सकता। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी ढूंढ नहीं सकता। दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं मुझे तो, दोनों आ सकता है आंसर? नो सर। तो क्या आएगा आपके हिसाब से? एट। एट तुक्का मारियो। यस सर। यस आप एट आएगा। क्यों आएगा पता नहीं है, सब तुक्का वाले हैं। तुक्का सर एट। क्यों आएगा क्यों दे क्यों नहीं आ सकता सर? डैम आना सर, डैम होता तो रिफ्लेक्स आ गया, डैम होता तो डैम लिख सकते थे, पर यहाँ पे ऑप्शन में दे लिखा हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयर इज अ मैसेज फॉर डैश ऑन द पैड, देयर इज अ मैसेज, मसाज नहीं है वो, मैसेज है, ठीक है? पता चला मसाज, अरे सर बहुत जरूरत है नहीं? अभी तो इतने ही क्वेश्चन में थक गए हो क्या? अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। डन? यस सर। ए और बी? ए। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट कैन डैश डू अबाउट इट? डन? यस सर। क्या आएगा? क्यों आज क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता क्या? तुम लोग रीजन कोई भी नहीं बता पा रहे हो यार, सब तुक्का मार रहे हो। एस सर सब्जेक्ट में कभी नहीं आता। अस जो है वो कौन सा नाउन प्रोनाउन होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, है ना? सब्जेक्ट है ये, है ना? तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? यू। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अस भी हो सकता है। ए। अरे बाप रे बच गया रे। चलिए तो यहाँ पे आपका खत्म होता है किसकी कहानी? प्रोनाउन की कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? विच टेंस इज इट? चलिए अब दिमाग लगाइए। राइट डाउन योर आंसर, यू हैव द ऑप्शंस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। राइट डाउन द आंसर। जिम एंड स्यू दो लोगों के नाम हैं, वर लेट फॉर वर्क अगेन, वो अपने काम के लिए फिर से क्या हो गए? लेट हो गए। डन? यस सर। डन? यस
डन यस सर डन यस सर अब मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ ना ए बी सी ए वाले हाथ उठाइए 1 2 3 ओनली बी वाले 6 सी वाले 5 ये कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा स्ट्रक्चर बताइए सर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे दिख रहा है आईएनजी फॉर्म आपने कैसे बोल दिया ये पास्ट कंटिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म दिख रहा है कहीं पे भी वर्किंग लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ना तो मतलब ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया ऑप्शन बी वाले मुझे बताइए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कौन कौन थे ऑप्शन बी वाले रेज योर हैंड पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर बताओ सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बीच की कहानी खत्म राम और सीता दशरथ दशरथ कोई नहीं न हनुमान जी न लंका जी कुछ नहीं एक मिनट पास्ट परफेक्ट आपने ऑप्शन बी लगाया ना पास्ट कंटिन्यू ऑप्शन बी वाले कौन है हाथ उठा के रखो ना यार देखूँ तो सही मैं हाँ पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर वॉज वर्ब होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट में ये तो रॉन्ग ही बता रहा है आप बताइए सब्जेक्ट प्लस आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आप क्यों हाथ उठा रहे हैं जो ऑप्शन बी लगाया है सिर्फ उन्हीं से पूछूंगा मैं ऑप्शन बी आपने लगाया है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट में और कौन है ऑप्शन बी वाले आता हूँ मैं तुम लोग के पास आओ कौन है ऑप्शन बी वाले टेल मी स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं है तो मतलब पढ़ के नहीं आया तुम लोग किसको याद है किसको याद है स्ट्रक्चर रेज योर हैंड्स ओनली टू बॉयज गर्ल्स सी गौरव एक तो आपसे पूछा था ना सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना तो यहाँ पे हेड लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन बी हुआ क्या तो कौन सा ऑप्शन होगा आप कॉन्सेप्ट सुनो वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल कैसे हुआ पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं इज एम आर पास्ट सिंपल में यूज करते हैं वॉज वर और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल या शैल ठीक है तो वॉज वर की मीनिंग यहाँ पे क्या होती है होना ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे होना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बी बी ई बी मतलब होना होता है ना तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जिम एंड यू बी लेट फॉर वॉक अगेन अच्छा लगेगा क्या बी बीच में यहाँ लिखूंगा अच्छा लगेगा क्या नहीं तो पास्ट सिंपल के केस में बी के प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं वॉज या वर और सिंपल प्रेजेंट के केस में हम क्या यूज करते हैं बी के प्लेस पे इज एम आर समझ में आया तो बी के प्लेस पे हम यूज करते हैं लेट सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ठीक है पॉज करो तो भाई इसको डन व्हाट इज द आंसर बी वाले कितने हैं सबके सब ऐसा क्यों आएगा बी सर क्योंकि सर वो हमेशा घूमता है एक हमेशा घूमता है इसलिए बी नहीं पता क्यों आएगा बी सर जो अर्थ है वो मूव कर रहा है सन के अच्छा मूव कर रहा है तो भैया मूव कर रहा है तो मूव भी तो लिख सकते हैं मूव्ड भी लिख सकते हैं मूव्स ही क्यों बोल रहे हो आप मूव्स बोला मैंने हाँ क्यों सर क्योंकि वो बताइए आयुष्मान सर क्योंकि उधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और वो प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं
रॉन्ग कॉन्सेप्ट प्रिया, अभी वो बताई थी दीदी सर ये सेंटेंस क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पता सिंपल प्रेजेंट? सेंटेंस देख के आप बता देते हो सिंपल प्रेजेंट है भैया, वर्ब से ही तो पता चलता है वो कौन सा टेंस है। यहाँ पे तो वर्ब कई ऑप्शन में है, आप कैसे बोल रहे हो कि सिंपल प्रेजेंट है? क्या होगा सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है। अभी हमने थोड़ी देर बताया था नीड वाला कॉन्सेप्ट में कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है तो हम क्या करते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। समझ में आया? हमेशा मूव करता है इसलिए मूव्स नहीं होगा। जिसका जिसका कॉन्सेप्ट रॉन्ग था आंसर रॉन्ग करेंगे आप लोग। समझ में आया? जिसको जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था सब रॉन्ग करेंगे। डोंट चीट। कैन ही डैश द मेडिसिन ट्वाइस अ डे? राइट डाउन योर आंसर। कैन ही डैश द मेडिसिन ट्वाइस अ डे? What is the answer? B. क्यों होगा B? सर क्योंकि वो हर रोज लेती है। फिर हर रोज लेती है। सर वो B होगा। थर्ड पर्सन। सर थर्ड पर्सन है। किसको किसको बताया कॉन्सेप्ट? क्या है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। अब भी थोड़ी देर आ रही यार इसके पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ कैनी तो सर सेकंड होगा ना। कैसे सेकंड होगा? मैं यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ा द लिखा हुआ इसलिए नहीं। मैं यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ा तो मैं कौन सा पर्सन हुआ? किसको पढ़ के सुनाया तुम लोगों को? कौन से पर्सन हुए? किसके बारे में पढ़ रहा हूँ? तो कैनी कौन सा पर्सन हुई? तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वो आपके साथ ऐसी आईएस लगता है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो रॉन्ग करेंगे। तुक्के में करेक्ट नहीं करना है डियर, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ही हैज डैश वेजिटेबल्स फॉर 10 ईयर्स। बहुत मजा आ रहा था नहीं प्रोनाउन का सॉल्व करने में? अभी तो कहानी बाकी है बच्चों, प्रीपोजिशन आना बाकी है। उसमें देखो कितना मजा आता है। जल्दी बताओ डन आंसर। ए बी और सी? सब लोग सी। क्यों होगा सी? सी क्यों होगा सर? क्योंकि सेकंड नहीं पता है कॉन्सेप्ट। सी क्यों होगा सर? जी सर थर्ड फॉर्म लगा है ग्रोन का जैसे और उसमें दिए वेजिटेबल्स। हाँ जो एस रहता है उसके लिए वो ऐसे बता रहे भाई सर। हाँ। सर इसलिए उसने वो वेजिटेबल्स लिखा है इसलिए ग्रोन लिखेंगे बोल रहे हैं भाई सर। सही बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सही है। वेजिटेबल्स लिखा है इसलिए ग्रोन लिखेंगे। सही बोल रहे हैं सर। आपको नहीं पता सर क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बता दो डियर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इतना काफी था। वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है इसमें से? ग्रोन। तो इसलिए ग्रोन आ रहा है, वेजिटेबल्स के कारण ग्रोन नहीं आ रहा है। वाह रॉन्ग करिए, सब रॉन्ग करोगे जिसको नहीं पता था ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से आप लोग देखते हो ना मैं कितनी ऑनेस्टी है तुम लोग के अंदर। पता था ना? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में पता था कि नहीं पता था। शी डैश इन द गार्डन एट द मोमेंट। सिट्स इज सिटिंग विल बी सिटिंग। तीनों ही हो सकते हैं। अगर मैं सिट्स लिखता हूं तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन लिखता हूं तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड लिखता हूं तो कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो तीनों ही करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन होंगे? नो सर। कोई एक ही होगा ना? यस सर। हैं मल्टीपल करेक्ट थोड़ा खेल रहे हैं? यस। जे ही थोड़ा ना खेल रहे हैं? हैं कोई एक आंसर होगा। क्या होगा? ए बी और सी?
बी बी वाले हाथ उठाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बता पाएंगे आप? सर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला है आपने, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोला है, दोनों अलग अलग होते हैं। नहीं पता है भाई साहब को, नहीं पता है डियर। आप बताइए, आपने बी बोला ना? यस आंसर बताइए, रीजन बताइए। सर क्योंकि वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन बोल रहे हैं भाई साहब, इसलिए आई एन जी लगाएंगे, थर्ड पर्सन है इसलिए आई एन जी लगाते हैं। कहाँ सीखे हो ऐसा? सर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज सिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों होगा, वही तो पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि वो बैठी हुई है बहुत देर से, इसलिए। बहुत देर से बैठी हुई, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं बस बैठी हुई है वो, बैठी हुई है ऐसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला ना आपने, स्ट्रक्चर बताइए। सर सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट प्लस वो आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस आई एन जी, सुनिए इन लोग का फॉर्मूला। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले आई एन जी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई एन जी किसके साथ लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ। जैसे शी के साथ आई एन जी लगाएंगे, शींग, अरविंद। और कौन बोला था ऑप्शन बी? रीजन नहीं पता, सबके साथ जीरो आएगा, देख लेना तुम लोग। किसी को रीजन नहीं पता है? पहले चेक तो कर लो। ए वाले कौन थे? आपको रीजन पता है बी का? बताइए सर, वो सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा क्योंकि वो एट द मोमेंट बोल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग एट द मोमेंट? जस्ट नाउ, उसी मोमेंट, जस्ट नाउ। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आंसर चेक करते हैं। इस सिटिंग इज द करेक्ट आंसर। एक ने कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ वही करेक्ट करेंगे, बाकी सब रॉन्ग करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करना है। प्लेट, हाँ, व्हाट इज द आंसर? ए बी और सी? बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सी बोल रहे भाई साहब। ए वाले कौन है? कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। ओहो, पहले तो सी, प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर बताइए, नहीं मालूम, तभी तुक्का मार रहे हो बैठ गए यहाँ पे। ए का स्ट्रक्चर बताइए प्रेजेंट सिंपल का। सब्जेक्ट प्लस गुल, डब्बा गुल। आपका क्या है आंसर? ए वाला, स्ट्रक्चर नहीं पता। आप लोग बी वाले कौन कौन थे? बाकी सब बी वाले थे ना? तुम भी बी वाली हो। स्ट्रक्चर बताओ। सिंगुलर प्लस आई एन जी। हाँ, सिंगुलर प्लस आई एन जी, सिंगुलर प्लस आई एन जी, ये क्या होता है? सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस सर, पहले वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म पता है ना किसको बोलते हैं? यस, किसको बोलते हैं? और फ्यूचर, फ्यूचर, फोर्थ फॉर्म मतलब फ्यूचर। डब्बा गुल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस आई एन जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर के साथ आई एन जी लगता है, आरिंग, इजिंग, एमिंग। नहीं बोल रहे, क्या गलत बोल रहे हैं सर? वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगे, वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जब फोर्थ फॉर्म बोल चुके हो तो फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों घुसा रहे हो मेरे भाई? जो जो नहीं बता पाए हो रॉन्ग आंसर इसमें, द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिसने हाथ उठाया था, ठीक है ना, ईमानदारी से ना। व्हाइल आई डैश अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट माय लिटिल सिस्टर सडनली केम इन। ओ, ये तो सबके साथ होता है, नहीं सिद्धांशु के साथ तो रोज होता है बेचारे साथ। जैसे ही डब्बा खोलता है चॉकलेट, उसका भाई आ जाता है छीनने के लिए, मुझे भी दे। तुम्हारे साथ नहीं होता है? मैं खोल ही नहीं पाता। तुम खोल ही नहीं पाते हो, तुम्हारा भाई खोलता है। हो गया डन? व्हाट इज द आंसर शहबाज भैया? बी वाज ओपनिंग। व्हाट इज द आंसर? बी, भाई बोल रहा है इसलिए। आंसर लिखे हो तुम? नहीं।
कब लिखोगे? अगले साल? ये चीटर भैया है भाई, ये सबका सुन के बाद में लिखता है आंसर, ऐसा चीटिंग नहीं करने का, समझ में आया? पहले से लिखो ना यार, तभी तो सीखोगे, ईमानदारी रखोगे तो सीखोगे, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी यार, ईमानदारी नहीं रखोगे तो कुछ सीख नहीं सीखोगे। क्या है आपका आंसर? वाज ओपनिंग। वाज ओपनिंग, ए बी और सी? बी। सब बी बोल रहे हैं, अब रीजन पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे तुम। सी, लेट्स सी। सी, सी मतलब कौन सा टेंस हो गया अगर सी लिखते हैं तो? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी मीनिंग क्या निकल रही पता है? जैसे ही, व्हाइल आई हैव ओपन्ड अ बॉक्स, जैसे ही मैंने चॉकलेट का बॉक्स खोला, कौन आ गई? मेरी लिटिल सिस्टर सडनली आ गई, अंदर आ गई। केम इन मतलब अंदर आ गई, ठीक है? तो वॉज ओपनिंग होना चाहिए कि हैव ओपन्ड होना चाहिए? ओपन नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता क्या? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वॉज ओपनिंग, जैसे ही मैं चॉकलेट का बॉक्स खोल रहा था, माई लिटिल सिस्टर अंदर आ गई, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस जो था वो पास्ट की बात कर रहा था, तो आपका फर्स्ट टेंस भी पास्ट में होना चाहिए ना। समझ में आया? कॉन्सेप्ट पता नहीं था तो कैसे राइट कर देंगे आप? हैं, He has never dashed to New York. हाँ सॉरी, न्यूयॉर्क। बस अब मेरी बत्ती भी गुल हो रही है ना, इसीलिए सॉरी। He has never dashed to New York. सॉरी, New York यार। क्या आएगा? ए, वेंट। आपका? सर वेंट। वेंट। आपका? वेंट। वेंट वाले हाथ उठाइए। वेंट लिखेंगे तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। कौन सा पास्ट? सर सर बी होगा। बी होगा, क्यों? सर क्योंकि वो कभी गया नहीं है, तो इसका भी नहीं है। सर कभी गया नहीं है। बेख्याली में अफवाह फैला रहे सर। ही जो है तुमको शी दिख रही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स सी। बी, बीन। नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, वो कभी न्यूयॉर्क नहीं गई, मतलब न्यूयॉर्क में थी ही नहीं। बीन मतलब होना, अभी बताया था, बी मतलब होना। किको देख लो, दोनों आंसर तो सही बताओगे पर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कम बच्चे जो है करेक्ट बताएंगे, देख लेना। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, डोंट मेक सो मच नॉइज। किको डैश फॉर हर एग्जाम। किको किको स्टडीज फॉर हर एग्जाम। किको इज स्टडिंग हर एग्जाम। किको हैव स्टडीड हर एग्जाम, फॉर हर एग्जाम। क्या है? ए बी सी। अच्छा, इसका मतलब बताओ, डोंट मेक सो मच नॉइस। कब बोलोगे ऐसा? जब आप पढ़ रहे होगे, कि पढ़ चुके होगे, कि पढ़ते हो? जब आप पढ़ रहे हैं तभी आप किसी को बोलोगे कि भैया हल्ला मत करिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मैं पढ़ चुका हूँ हल्ला मत करो, ऐसा बोलोगे क्या? या मैं पढ़ता हूँ हल्ला मत करो, ऐसा बोलोगे क्या? पढ़ रहा हूँ बोलोगे ना। कहाँ कौन सा बताया? वो तो मैं बताया, जिसका रॉन्ग है रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट डैश क्लाउडी टुमारो। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताइए। सर वेदर और क्लाइमेट पे, सर वेदर अलग होता है और क्लाइमेट अलग होता है। वेदर और ये भी आसरा नर्सरी क्लास का बच्चा तुम्हारा। सर वेदर मतलब सर वो कोई ठंडी या गर्मी होती है। वेदर मतलब ठंडी या गर्मी होगी, क्लाइमेट मतलब ठंडी गर्मी नहीं होगी।
मतलब ठंडी गर्मी होगी और वेदर मतलब सर वो हर एक महीने का अलग अलग वेदर होता है इसलिए। वेरी गुड। क्लाइमेट मतलब होता है लॉन्ग पीरियड का वेदर, समझ में आया? वेदर और क्लाइमेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम थिंग। क्लाइमेट मतलब होता है लॉन्ग पीरियड का वेदर। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक साल का या एक महीने का एक साथ अगर वेदर की बात करते हो आप, तब उसको हम बोलते हैं क्या? क्लाइमेट। और अगर आप क्या बोल रहे हो कि भैया अभी बारिश हो रही है, फिर अभी धूप निकल रही है, तुरंत बता रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? वेदर। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट, इट क्लाउडी टुमारो, इट इज गोइंग टू, नहीं हो सकता, इज गोइंग टू मतलब मीनिंग किसको पता है? होने वाली है, है ना? होने वाली है, क्लाउडी हो सकता है, टुमारो होने वाला है। बताइए सी होगा कि ये बी होगा कि ये सर ए होगा? ए सर सर बी क्यों सर? एक्शन में यहाँ पे बी लगना चाहिए था, बी वाले में अगर गोइंग टू बी होता तो बी भी हो सकता था। कॉन्सेप्ट तो सही है, लेट सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। विल बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों तुम लोग सब अभी सी बोल रहे थे? सबके सब रॉन्ग करोगे। लिखे पर सी हाँ बोले आप, डोंट चीट डियर, रॉन्ग मीन्स रॉन्ग। अभी मैंने बोला दोनों हो सकता है तो तुम लोग ने बोले सब हाँ 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 सर दोनों हो सकता है। Which tense is it? When I was taking a shower, the phone rang. सिद्धांशु के साथ अक्सर हो जाता है ऐसा, जब वो खेतरिया में जाता है नहाने तब फोन रिंग होने लगता है, घर वाले फोन लगाते हैं, कहाँ चला गया है, कितनी दूर चला गया है खेत में। What is the correct answer? पास्ट परफेक्ट। ए वाले कौन कौन है? बी वाले, सी वाले? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अरे यार वॉज लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस, इतना सिंपल है यार। हाँ वॉज वर आईएनजी है। डैश जैकी दिस मॉर्निंग, जल्दी करो भाई अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। डन। पता है क्या आंसर लिखे हो? सर हैड यू सीन, हैड यू सीन व्हाट इज द आंसर रीजन? सर क्योंकि वो जैकी वहां पे सिंगुलर है और हैड भी सिंगुलर के लिए यूज होता है इसलिए। सर क्यों डिड यू सी जैकी नहीं बोल सकते क्या? और सर वो अभी की बात कर रहा है। हाँ अभी की बात कर रहे हो तो इसलिए वहाँ पे हेड, तो हेड क्यों लगा रहे हो? अभी की बात कर रहे हो तो हेड क्यों लगा रहे हो? हेड कौन सा टेंस होता है? हेड कौन सा टेंस होता है? हेड कौन सा टेंस होता है? मैं सर मुझे कॉन्सेप्ट पता है। व्हाट इज आंसर? हैड यू सीन, हैव यू सीन, हैव यू सीन वाले हाथ उठाइए। आप क्या लिखे? हैड यू सीन। रीजन पता है सर? क्योंकि बाकी के दोनों में जो डिड यू सी है उसमें सेकंड फॉर्म लगना चाहिए और हैव यू सीन में उसमें सेकंड फॉर्म उसमें लगा नहीं है और हैड यू सीन में थर्ड फॉर्म लगा। डिड जब भी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। डिड जब भी हम क्वेश्चन में जब भी हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। आपने थर्ड वाला सही बोला, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। ये ठीक है, ये उसके कारण रॉन्ग है। पर डिड के साथ जब भी हम डिड बनाते हैं मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं तब वहाँ पे थर्ड फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो वो क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म में। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, थर्ड ठीक है, मैं समझ गया कि थर्ड रॉन्ग है। ठीक है आपका क्या आंसर था? हैव यू सीन किसने बोला था अभी? हैव यू सीन रॉन्ग है भैया, सीन है बोला। हैड यू सीन क्या? मैंने देखा है क्या? तुमने देखा था? देखा था उसे, जबकि पूछ रहे कि आज मॉर्निंग देखा था उसे। तो डिड यू सी का मतलब भी होता है कि तुमने देखा था? नो सर होगा क्या? तुमने देखा सर? डिड यू सी नहीं होगा सर, वो तो सर अभी का होगा ना, डिड सी तो अभी का होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा। चलिए देखते दिस मॉर्निंग बोल तो रेड ईयर, डिड यू सी क्या तुमने इस सुबह?
जैकी को देखा था, दिस मॉर्निंग की बात हो रहा है। As he dashed across the street, a car suddenly stopped in front of him. देखो तुम लोग लड़ो मत, इसने गलत लिखा, इसने बाद में लिखा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ गए, उसके मार्क्स कम आ गए, या तुम्हारे कम आ गए, उसके ज़्यादा आ गए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे सीखने आए हो, सीखो, समझ में आ रहे हो? मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, रणछोड़ बाबा ने कहा है। As he dashed across the street, a car suddenly stopped in front of him. सबने आंसर लिख लिया है? Let's see what is the correct answer. जिसका जो जो लिखा है उसको करेक्ट कर लीजिए। The Olympic Games are, अभी रीजन पूछूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। The Olympic Games are dash every 4 years. Let's see what is the correct answer. Held every 4 years. हाँ लगाइए, अब रीजन नहीं पूछ रहा हूँ तो लगाते जाइए। जिससे भी रीजन पूछा मतलब वहां पे फंसे आप। They dash him for a year. They haven't seen him. आंसर नहीं बताना है डियर, आपका आंसर सुन के दूसरा कोई लिख सकता है। Don't dictate your answer. आंसर लिखने दीजिए दूसरों को। डन, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हैव एंड सीन, देख लिए सब लोग, एक दूसरे का सुन के आंसर लिख लिया और ऐड कर दिया। आइडेंटिफाई द टेंस, हाँ अब ये मजा आएगा, अब रीजन पूछूंगा। विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस? फिर मैंने क्या बोला, आंसर नहीं बोलना है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले कौन कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट वाले हाथ उठाए देना। हाँ, क्यों होगा प्रेजेंट परफेक्ट? सर क्योंकि सर उसके फॉर्म में सर हैड और हैव आता है, इसलिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड और हैव आता है? रॉन्ग, नहीं पता, नहीं पता, पता है सर, हैव बीन आता है, हैव बीन आता है, तो हैव बीन तो लिखा ही नहीं है डियर। सर हैव, हाँ हैव लिखा है ना, तो बीन तो नहीं लिखा है, तुम बोल रहे हो हैव बीन आता है, हैव या हैव बीन, अरे बाप रे, रॉन्ग। सर किसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस है? तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सर कट का थर्ड फॉर्म कटिंग। सर बता, कटिंग, कट का थर्ड फॉर्म कटिंग। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नहीं पता। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? चुप सर, बोला था चुप रहो। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सी ए टी, कैट। क्लैप फॉर हिम। कट का थर्ड फॉर्म कैट। बस बस ओ गॉड, कट इट, क्लैप फॉर हिम। सुन रहे हो ना आंसर? धासु धासु ना, रहन दो, तुम बोलोगे कुछ और बोल दोगे, कटलेट बोल दोगे तुम। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। जिसने कॉन्सेप्ट रॉन्ग बताया सब रॉन्ग करिए। हेलेन डैश इन पर्थ फॉर 5 years फ्रॉम 2015 to 2020। चलिए मस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इज पावर, जल्दी करिए यार, अभी इसके बाद आएगा आपका नहीं पता था। नहीं पता था बोल रहा हूँ तो नाउन कहाँ से आ गया? हाँ तो नहीं, एंड मतलब नहीं पता था। डन, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? लिव्ड, हेलेन लिव्ड इन पर्थ फॉर 5 years। नेक्स्ट, आई हैव गॉट
टूथेक। हाँ, क्या मतलब होता है टूथेक? मतलब दांत दर्द। दांत दर्द। हेडेक मतलब क्या होता है? सिर दर्द। सिर दर्द। तो टूथेक मतलब क्या होगा? दांत। ये स्पेलिंग सही लिखी हुई है? यस सर। क्या होती है हेडेक की स्पेलिंग? क्या होती है? काट दीजिए किसकी कॉल। HEADACHE। चलो, वेरी गुड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट टुमारो। आई एम गोइंग, कल मैं जा रहा हूँ। वुड यू लाइक अ टी? जॉय ने पूछा। जॉय सॉरी, फिर नेक्स्ट जॉय ने क्या बोला? जो ने पूछा, जॉय ने आंसर दिया, नो थैंक्स, आई हैव जस्ट डैश वन। कूलर ऑन करो। डन। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हेड। आई हैव जस्ट हेड। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टेंसेस। द डॉग्स डैश बाय एलेक्स एवरी डे। एवरीबडी डन? एवरीबडी डन? Everybody done? Yes, sir. Done? Yes, sir. खत्म होता है टेंस और प्रोनाउन। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द बेस्ट।